देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवादों में घिरे हैं। वहीं गौतम अडानी से को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां पर विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने LIC के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला। हालांकि पैदल मार्च को पुलिस ने कामयाब होने नहीं दिया और बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोकने का काम किया। अंत में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहले कैग रिपोर्ट बनाए, और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस नहीं रुकेगी, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे से हमारे संवाददाता अविनाश ने खास बातचीत किया, सुनाते हैं आपको। देखिए, प्रदर्शन करने का उद्देश्य बहुत साफ है, इसको कृपया राजनीति से ना जोड़ा जाए, ये व्यक्तिगत विवाद है। आपने 2016 में पैसों की बर्बादी की थी नोटबंदी के माध्यम से, आज 2022 में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC को बर्बाद करके देश की जनता को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हो। ये बर्बादी हमको बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए जन जन आज सड़कों पर है और हम लोग बता देंगे कि हमारे इरादों में क्या क्या। अडानी ग्रुप के शेयर गिरने के बाद लगातार कांग्रेस हमलावर है सरकार पर, तो इसके लेकर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इन LIC दफ्तर पर यहां पर जा रहे थे, जिनको पुलिस ने भी रोका है। आज आप लोग LIC दफ्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे थे क्या है? कि जितना LIC का पैसा लगा हुआ है, जितना SBI का पैसा लगा हुआ है और जितना भी घोटाला हुआ है उसकी जाँच कराई जाए, अडानी की निष्पक्ष जांच कराई जाए। आप लोग कहां पर जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए? बैरिकेड LIC। साफ तौर पर जो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जो है LIC दफ्तर की ओर बढ़ रहे। पीछे का हुजूम हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद है। साफ तौर पर उनका कहना था जिस तरीके से अडानी ग्रुप के जो शेयर गिर रहे हैं उनको लेकर जो है आज प्रदेश सरकार पे हमलावर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता का हुजूम यहाँ पर है। ठीक पीछे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो साफ तौर पर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला बोल नजर आ रहे हैं। हालांकि बैरिकेड को तोड़कर LIC दफ्तर जाने का प्रयास है, लेकिन यहाँ पर भारी संख्या में तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन से भी कांग्रेस की तीखी झड़प देखने को मिल रही है। लखनऊ से NK न्यूज के लिए अविनाश।